नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वास्थ्य समस्या के बारे में जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, वो है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। ये समस्या आपको शायद नॉर्मल लगे, लेकिन इसे समझना और सही समय पर इसका इलाज लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आपको बताएं एक ऐसे घरेलू उपाय की मदद से पुरानी कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। आखिर क्या होता है कब्ज? कब्ज एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको मल त्याग में कठिनाई होती है और स्टूल यानी कि मल कठोर और सूखा हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जब आपका भोजन सही से पचता नहीं है तो मल आसानी से बाहर नहीं आता, ऐसी स्थिति को कब्ज कहते हैं। इसके कारण आपको पेट में दर्द, फूले हुए पेट का एहसास और कई दिक्कतें आने लगती हैं। क्या खाएं और क्या ना खाएं कब्ज होने पर, ये जानना सबसे जरूरी है। कौन सी ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिससे आपको कब्ज न हो, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको जरूर खाना चाहिए ताकि आप कब्ज से बचे रहें। क्या नहीं खाना चाहिए सबसे पहले जान लेते हैं। जिन खानों को आपको अवॉइड करना है वो हैं बेकरी वाली चीज़ें, डेयरी उत्पाद, चीनी, तली हुई चीज़ें और फास्ट फूड इत्यादि। क्या खाना चाहिए आपको ऐसे में? कब्ज की स्थिति में आपको फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे आपका पेट बहुत ही अच्छे से साफ होता रहे, जैसे पत्तेदार सब्जियां, होल ग्रेन्स, फल, नट्स। साथ ही साथ आपको पानी का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपके कब्ज की समस्या को कम करती हैं और पेट आपका साफ होता है। ये सब तो थी कुछ बेसिक बातें जो आपको कब्ज में मदद करेंगी। दोस्तों, केवल एक बेहतरीन घरेलू उपाय जो कब्ज को जड़ से खत्म करने के लिए काफी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कब्ज बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है, तो ऐसे में आपको इसका उपयोग जरूर करना चाहिए, जो रेमेडी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिल रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब जान लेते हैं इस आसान सी रेमेडी के बारे में। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए गर्म पानी और नींबू। केवल आपको एक गिलास गर्म पानी और एक नींबू लेना है। पानी उतना ही गर्म रहे जितना आप आसानी से पी सकें। अब नींबू को काट कर इसे गिलास में निचोड़ लें। इसके बाद अच्छे से मिलाएं और इसे रोजाना खाली पेट पिएं। रोजाना केवल एक गिलास पानी पीना सबसे बेस्ट रहेगा। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है। यह आपके पाचन अंगों को सक्रिय करता है और पाचन एंजाइम्स को तेजी से बढ़ाता है। और इसके अलावा गर्म पानी आपके पाचन तंत्र को गर्म करके रक्त प्रवाह को बेहतर करता है, जिससे पाचन क्रियाएं तेजी से होती हैं और पेट आसानी से साफ हो जाता है। इसके नियमित उपयोग से आप पाचन तंत्र को बेहतर बना सकते हैं और कब्ज में राहत पा सकते हैं। आपके किसी भी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें।